क्या जब भी मौसम बदलता है उस वक्त आपको सांस लेने में तकलीफ, या आपको नजला हो जाता है, या काफी सालों से ये नजला आपको हमेशा ही रहता है और आप बहुत सारी दवाइयां खा चुके हैं परंतु उसका कोई ज्यादा खास फर्क आपको नहीं पड़ता, और मौसम के बदलाव के साथ ही आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और आपको ये तकलीफ हो जाती है, तो आप आज से ही ओम मंत्र का जाप करना शुरू कर दें और ये आपके इस जो सांस की तकलीफ है इसको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, आप ओम मंत्र का जाप आज से ही और अच्छे से शुरू कर दें ताकि आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और आपका जो ये श्वास लेने की प्रणाली है जिसके अंदर आपको ये रुकावट आती है वो भी ठीक हो जाए और पूरे शरीर में भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थियंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब हम ओम मंत्र का जाप करते हैं तो क्या होता है और आपको इसे कैसे करना है। अगर हम ओम मंत्र का जाप अच्छे से और लंबे उच्चारण के साथ करते हैं तो इसे तकरीबन इस प्रकार किया जाएगा। आपने देखा जैसे ही हमने अब ओम मंत्र का जाप जिसके अंदर हमने जो एम वाली वाइब्रेशन है एम इसको हमने काफी लंबा कर दिया और हमारा इनहेलेशन जो पैटर्न था उसके अंदर हमने लंबा सांस लिया और उसके बाद उसको आराम से धीरे धीरे छोड़ा। इसको जब हमने ऐसे किया तो हमारे जो पैरानेजल साइनसिस हैं जहां आपको इन्फेक्शन होके ये दिक्कत हमेशा रहती है, आपका नाक हमेशा भरा भरा रहता है, उसमें से कोई ना कोई डिस्चार्ज रहता है या कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है और आपको अच्छे से श्वास नहीं आता, तो वहाँ वेंटिलेशन बढ़ती है तो वहाँ पे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में ज्यादा बनता है और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा बनता है इससे वेंटिलेशन भी अच्छी होती है और जब हम अगले सांस के साथ इस नाइट्रिक ऑक्साइड को अपने फेफड़े में और अपने शरीर में ले जाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके जो ट्रेकिया और ब्रोंकियोल्स हैं जो हमारी सांस की नलकी का पार्ट है उनकी मांसपेशियां और अच्छे से रिलैक्स होती हैं, जो उनके अंदर सुकुड़न और जो टाइटपन होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि आपने ये पाया होगा जब भी आपको ब्रोंकियल एस्थमा का या कोई ऐसा अटैक या होता है या आपके बच्चों को या आपके जानकार को या आपके किसी फैमिली मेंबर को ऐसा होता है बहुत ज्यादा नुकीली आवाज हमें आती है, ऐसे घड़घड़ाहट की आवाज हमें छाती में से आती है, सांस लेने में उनको तकलीफ होती है, नाक उनका बंद होता है, तो जो ये आप उच्चारण करते हैं इस उच्चारण से आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में ज्यादा बन रहा है उस नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से आपका जो साइनस वेंटिलेशन है वो बढ़ जाता है, आपकी जो ट्रेकिया और लंग्स के अंदर अब नाइट्रिक ऑक्साइड जा रहा है वो बढ़ जाता है और उसी से आपको फायदा होता है। ये काफी सारी स्टडीज में प्रूफ हो चुका है। अगर हम ये ओम मंत्र का जाप अच्छे से करते हैं जिसको कुछ इंग्लिश वर्ड में हमिंग भी कहा जाता है तो उसके अंदर आपके नेजल साइनसिस में 15 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है बजाय कि जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऐसे ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर और हमारे पैरानेजल साइनसिस में ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा बनेगा तो ये हमारे फेफड़ों को और सांस की नलकी को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा, जिससे कि हमें ये जो सांस खिंच खिंच कर आ रहा था और जो ये रुकावट हो रही थी वो अब नहीं होगी। ये काफी सारी साइंटिफिक स्टडीज में अब प्रूव हो चुका है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे श्वास की नलकी के लिए और हमारे ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे ब्लड वेसल्स में जाके उनको रिलैक्स करती है, हमारे ट्रेकिया और ब्रोंकियोल्स को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से हमें ये फायदा होता है। जो लोग अच्छे से हमिंग और ओम मंत्र की चैंटिंग का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में साइनोसाइटिस और एस्थमा जैसी बीमारियां कम पाई जाती हैं और वो इससे ठीक भी हो जाते हैं। तो समझते हैं जो पैरानिजल साइनसिस हैं ये होते क्या हैं।
पैरानाइजल साइनसिस हमारे जो सिर है इसके अंदर जो हमारी बोन होती है, हड्डी होती है, उसके अंदर होते हैं। दो साइनसिस होते हैं जिनको हम फ्रंटल साइनसिस कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर होते हैं इनको हम फ्रंटल साइनसिस कहते हैं। नाक के इस हिस्से में पीछे तक जाते हैं, उन्हें हम इथमोइड साइनसिस कहते हैं। और जो ये वाला एरिया हमारा होता है इसको हम मैक्सिलरी साइनसिस कहते हैं। और पीछे जाके इथमोइड साइनस के पीछे दो साइनसिस और होते हैं जिनको हम स्फिनॉइड साइनस बोलते हैं। ये साइनसिस हवा से भरी हुई कैविटीज होती हैं जो हमारे सिर की हड्डियों को हल्का बनाती हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो ये वेंटिलेशन का माध्यम दिया गया है और इसके अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, इसके क्या फायदे हैं ये मैंने आपको बताया ही है कि इसके एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे सांस की नलकियों को स्वस्थ रखने के लिए और उनके अंदर कंजेशन कम करने के लिए, और इसके अलावा जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल्स को भी रिलैक्स करता है और हमारी बीपी और दूसरी हृदय के रोगों में भी काफी बचाव करता है। नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया की माने तो तकरीबन हर साल 15-30% लोगों को साइनोसाइटिस होता है और इससे तकरीबन 12.5% लोगों को क्रोनिक साइनोसाइटिस रहता है। तो हमारी जो जनसंख्या इस वक्त लगभग 150 करोड़ है, तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों को पूरे साल कितनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। और जो ये समस्याएं हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस की, ये सिर्फ नजले और नाक से रिलेटेड नहीं है। अगर क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस आपको रहता है तो उसका डायरेक्ट असर, क्योंकि आपकी सांस लेने के ऊपर पड़ता है, तो वो सीधा आपके फेफड़े और हार्ट को भी नुकसान पहुंचाता है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है उनको एस्थमा जैसी भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर ये काफी सालों तक चल रहा है तो आपके शरीर का जो ऑक्सीजनेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण फिर आपको इश्केमिक हार्ट डिजीज, जो हम कहें कि हार्ट के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, या क्रॉनिक हार्ट फेलियर जैसी दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसी चीजें रहती हैं तो आप इसको हल्के में ना लें और इसके लिए तुरंत प्रभाव से आज से ही ओम मंत्र का उच्चारण अच्छे से शुरू कर दें और इसका लाभ आपको अच्छे से और जल्द ही मिल पाएगा। एक स्टडी मैंने अभी देखा, उसके अंदर एक बच्चे को क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस काफी सालों से था और उसने 4 दिन के अंदर अपना क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस सिर्फ इस हमिंग और चैंटिंग ऑफ ओम से ठीक कर लिया, सिर्फ 4 दिन के अंदर। ये काफी सोचने की बात है। तो अगर हम इसे अपनी दिनचर्या का एक पार्ट बना लें, और यही नहीं जिनको क्रॉनिक साइनोसाइटिस या ऐसी कोई प्रॉब्लम है वो, अगर हम सारे भी इसको अपना पार्ट बना लें तो हमें उम्र भर इसके इतने ज्यादा फायदे होंगे। जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके नाक के अंदर पैरानेजल साइनसिस के अंदर बन रही है, इसके जो और फायदे हैं वो ये है, ये अपने आप में इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करता है। उसके अलावा इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो आपने ये पाया होगा और आपने ये देखा भी होगा कि जिन लोगों को अब ये नाक में समस्या रहती है वो ज्यादातर नाक से सांस ले ही नहीं पाते और ना उसे लेने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है शरीर पे वो ये है कि अब वो लोग मुंह से सांस ले रहे हैं। अब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारे जो भी हमारी हवा के अंदर कीटाणु हैं वो सीधा हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। हालांकि जब हम नाक से सांस ले रहे हैं तो नाक के अंदर बाल होते हैं जो फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, तो वो उसको प्रिवेंट करते हैं कुछ। उसके बाद हमारे जो नाक के अंदर सांस लेने की वजह से जो ये वेंटिलेशन होती है साइनसिस की, तो उसके अंदर जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है, इसके अपने एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल इफेक्ट की वजह से काफी सारे कीटाणु, हम कहें लगभग सारे कीटाणु वहीं समाप्त हो जाते हैं। और अब जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा बिल्कुल स्टरलाइज है और हमारे फेफड़ों को बिल्कुल कीटाणु रहित हवा मिल रही है, जिससे कि हम और ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। वहीं कोरोना के अंदर भी ये पाया गया कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी सांस के अंदर बढ़ती है और हमारी नेजल कैविटी में भी बढ़ती है, तो उसके अंदर
ऐसा करने से भी हमारी जो रेप्लिकेशन थी कोरोना वायरस की वो भी काफी कम हो गई। इसलिए काफी ट्रीटमेंट प्लान्स में और काफी स्टडीज भी ऐसी हुई जिसके अंदर हमने ब्रह्मरी प्राणायाम को यूज किया और उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ। उनको ना केवल कोरोना में ठीक होने के अंदर फायदा मिला बल्कि जो दूसरी और उनकी क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस थी, जैसे कि हम कहें ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, एस्थमा, इनके अंदर भी उनको काफी लाभ मिला। डायबिटीज वाले लोगों को भी इसके अंदर काफी लाभ मिला। तो अब आप ये सोचें कि आपकी सांस की दिक्कत और ये साइनोसाइटिस तो ठीक हो ही रहा है, इसके साथ साथ आपको पूरे शरीर में भी कितने सारे फायदे मिल रहे हैं सिर्फ एक काम करके, वो है क्या? इसे आज से ही अपने जीवन में अपनाएं और इसका भरपूर इस्तेमाल करें। यही मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये लाभ है ये उन लोगों को मिलता है जिनके अंदर ये एलर्जिक साइनोसाइटिस वाली प्रॉब्लम है। कहने का मतलब, जिन लोगों को एलर्जिक साइनोसाइटिस रहता है और बार बार ये जो नजला रहता है जब भी मौसम बदल रहा है, उनके अंदर ये फायदे ज्यादा हैं। हालांकि जिन लोगों के अंदर जो हमारे पैरानेजल साइनसिस की ओपनिंग है, जिसे हम ओस्टियम बोलते हैं, अगर उसके अंदर किसी और प्रकार की रुकावट है, मान लो वहां कोई मांस बन गया, मान लो वहां का जो मांस है उसमें सूजन है, तो उनके अंदर इन ऐसी प्रक्रियाओं से कोई ज्यादा खास लाभ नहीं मिलता। थोड़ा बहुत लाभ कुछ लोगों में मिलता है, स्पेशली क्योंकि एलर्जिक कॉम्पोनेंट भी उनका एक रहता है तो उनको फायदा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा तो उसके अंदर हमें साइनस सर्जरी भी कराने की जरूरत पड़ सकती है। अब एक जो सवाल है इसमें कि हम ये प्रक्रिया कब, कैसे और कितनी बार करें, तो इसके अंदर मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ, जिन्हें तकलीफ ज्यादा है उन्हें तो इसे पूरे दिन में जितनी मर्जी बार भी वो कर पाए बहुत बढ़िया है। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि एक बच्चे ने सिर्फ 4 से 5 दिन ये प्रक्रिया करी, लगभग 1 घंटे प्रतिदिन, और उसने अपने साइनोसाइटिस को ठीक कर लिए। ये केस रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया भी है। तो इसलिए जिनको समस्या है वो इसे दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार उन्हें करना चाहिए। हालांकि जो लोग इसको इसलिए करना चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और उन्हें एलर्जिक राइनाइटिस या ऐसी समस्याएं फेफड़े की या दिल की हो ही ना, तो उनके लिए मेरा सुझाव यही है कि कृपया इसे सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले जरूर करें। ये आपके स्वास्थ्य को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखेगा और आपको इसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे। आप इसको करें, देखें और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कृपया जरूर शेयर करें कि आपको ये एक हफ्ते में आपको क्या फर्क पड़ा और एक महीने में क्या फर्क पड़ा। ये मेरी आपसे विनम्र आग्रह है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृपया इसको जरूर करें और इसका एक्सपीरियंस भी आप जरूर शेयर करें। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे इतने सारे जो मंत्र उच्चारण हैं उसके अंदर ओम शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है और क्यों किया जाता है। तो इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप आज से ही इसको इस्तेमाल करें और अपनी प्रार्थना भी मन में ना करके अच्छे उच्चारण के साथ करें, ताकि आपको हर वक्त जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो आपको उसका भरपूर फायदा हो। हमारे योगा में भी इसे भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से बताया गया है। भ्रामरी प्राणायाम के अंदर भी आप एक सांस लेकर, जो आप जब सांस छोड़ते हैं एक्सहेलेशन करते हैं, उसके अंदर आप एक मुद्रा में होते हैं जिसको हम भ्रामरी प्राणायाम या बी प्राणायाम कहते हैं। क्योंकि एक जो बी या मधुमक्खी होती है वो जो हमिंग साउंड करती है, इसलिए उसको इसके साथ लिंक किया गया है। इसके अंदर भी आप पाएंगे कि लोगों ने बहुत सारे अपने हाथ और अंगूठे की मुद्राएं बताई हैं, तो उसको लेकर कृपया आप कंफ्यूज ना हो। आप सिंपली अपना हाथ ऐसे रखें और अपने अंगूठे से कान के छिद्रों को दबाएं
लंबा सांस लें और उसके बाद ये इतना सरल और आसान है कि आप कभी भी अगर किसी स्ट्रेसर में भी हैं तो उस वक्त भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका वो स्ट्रेस भी तुरंत खत्म हो जाएगा और आपके शरीर में जो अब ये भरपूर मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है उससे आपके सांस की नलकी, फेफड़े और जो खून की नलकियां हैं उनको भी भरपूर मात्रा में जब नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा तो वो भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। आजकल की प्रणाली के अंदर तो अब जो हमारे नाक के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है उसको एस्थमा जैसी बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए और इवन उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भी इसके अंदर काफी सर्चेस हो रहे हैं कि अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा हमारे एयरवेज के अंदर और शरीर में बढ़ाएं तो उससे क्या हम एस्थमा को ठीक कर सकते हैं और उसके भी काफी ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी प्राप्त कर आप आज से ही ओम का उच्चारण अच्छे से शुरू कर देंगे और अपने शरीर में इसके फायदे देखेंगे और आपका जो एक इतने सालों से नज़ला और आपको जो ये बार बार ज्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ती है अस्थमा के लिए वो भी आपकी काफी हद तक घट जाएंगी और आपको कम से कम दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, उसके अंदर भी आप काफी अच्छा सुधार देख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और नोटिफिकेशन का बेल भी जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई समस्याएं आ रही हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, आपको कोई कंफ्यूजन है, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं उन्हें स्वयं पढ़ता हूं, मैं उनके आपको तुरंत जवाब दूंगा और कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगी जिनके लिए एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो मैं जल्द ही आपके लिए एक वीडियो बनाकर भी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें और ओम का उच्चारण करते रहें। ओम।